खरगोन पुलिस को एक और बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब लगातार सुने मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करके पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिनसे 6,50,000 रुपए का मशरूका भी बरामद हुआ। बता दें, सनावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस चोर गिरोह ने एक के बाद एक करके कुल 12 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 7 आरोपियों को दबोचा, जिनसे सोने चांदी के जेवरात सहित मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है, जिसमें और खुलासे हो सकते हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये देखिए, पिछले कुछ समय से ग्राम दौड़वा है, टीकन गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पे पिछले कुछ समय से कुछ नकबंदियाँ हुई थी। तो उसकी जब पुलिस के पास सूचना आई, पुलिस ने उसमें मामला पंजीबद्ध करके नकबजनों को पता करने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली, जिसमें एक व्यक्ति था देवेंद्र उर्फ देवा करके, जो सनावत का रहने वाला था, जिसके विषय में पुलिस को जानकारी मिली, उसको पूछताछ की, तो उसने ये घटना करना स्वीकार किया। और उसके बाद उसके साथ साथ उसके जो अन्य 3 साथी थे, वो भी तीनों सनावत के रहने वाले थे, कालू, धर्मेंद्र और अनिल, ये चारों बहुत ही सारे बदमाश थे, जो पूर्व में सनावत थाना क्षेत्र के आसपास के कई जगहों पे पूर्व में वारदातों को अंजाम दे चुके थे। तो इस पूरे गिरोह को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई, और इनसे पुलिस ने दौड़वा थाना क्षेत्र के दौड़वा जो क्षेत्र है उसके आसपास की करीब 5 चोरियों की घटनाएँ, मतलब जनी की घटनाएँ थी, उनको ट्रेस किया, और इनके पास से करीब 6,50,000 रुपये का मशरूका जो है, जो इन्होंने चोरी किया था, वो इन्होंने कुछ अन्य लोगों को बेचा था, वहाँ से पुलिस ने जब्त किया, और जिनको इन्होंने ये मशरूका दिया था उनको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया है। तो कुल करीब 11 लोग इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी हैं। सर, कोई नेटवर्क वगैरह है? हाँ, इनका नेटवर्क अभी हम लोग और पता लगा रहे हैं कि इनके कोई और साथीदारान है कि नहीं इसमें, उनकी भी विषय में इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी और कुछ थाना क्षेत्रों में घटना करने की संभावना है, जिसके विषय में भी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और संभावित है कि कुछ अन्य घटनाओं का भी हमें पता चलेगा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।